ये आलू ले लो। और भगाने में जो मज़ा आता है ना, जो भगाने में, वो नहीं लेना है अपने को सीरियसली। अभी एज हो रहा है ना 26+, अभी संभाल के चलाएंगे, पूरी ज़िंदगी चलाना है अपने को। वाला जो गाड़ी है ना, ये लेना है अपने को एक ना एक दिन। जहाँ भी जाएंगे भाई, पैसेंजर उठा के जाएंगे भाई, खर्चा निकल जाएगा अपना। दिख रहा मेरे को, मतलब सिग्नल तो नहीं है, जो जिधर से चाहे घुसा सकता है यार। घुसाने का बहुत मन करता है लोगों को, कहीं से भी घुसा लेता है, हम भी घुसा लेंगे। तो वहाँ पे तगड़ी चेकिंग चल रही थी पुलिस की, इसीलिए फ़ोन उतरना पड़ा हमें हेलमेट से। कोई नहीं, हम भी कम चालाक थोड़ी है, थोड़ी ना पैसे देंगे पुलिस को, है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे, मैं और अपना भाई सौरभ दोनों निकले हैं स्कूटी का सर्विसिंग कराने, क्योंकि आज पर है सर्विसिंग का डेट। 1 महीना या फिर 500 किलोमीटर चलाना पड़ता है आपको, लेकिन राइडर से नहीं हुआ। ये हमारा भाई जो सौरभ है, इससे नहीं हुआ 500 किलोमीटर। 295 अभी तक हुआ है घर से आने तक, ये जाने दो आप। 280 पकड़ लो, 15 किलोमीटर दूर रहता है फलाकाटा हमारे घर से, तो फलाकाटा जाना पड़ रहा है हमें सर्विसिंग कराने। तो आज के वीडियो में देखने को मिलेगा आपको कि कैसे होता है सर्विसिंग, क्या कॉस्टिंग आएगा। ये फर्स्ट सर्विसिंग है आपका, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पूरा देखना। बाय द वे, मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना, ऐसे मौसम में हम लोग यहाँ पे, मतलब जाने दो, फैमिली कंटेंट है, दिल में कुछ और ही आ रहा है। पहाड़ जाना पड़ेगा यार, पहाड़ जाना पड़ता है। और पहाड़ एक ऐसी जगह है ना मेरे ख्याल से दोस्तों, अब जब भी जाओ दिल नहीं भरता आपका, किसी भी मौसम में अब चले जाओ, मतलब एक अलग ही खुशी मिलती है बाहर जाके। तो बाहर तो जाना पड़ेगा, फिलहाल एक प्लान तो बन रहा है अपना, देखते हैं। क्योंकि इन लोगों को लगता है पहाड़ से डर, क्योंकि पहाड़ पे ये लोग राइड नहीं कर पाते ठीक से। कोई नहीं, संभाल लेंगे। हे प्रभु, आप भी संभाल लेना। ये देखिए लाइन, ये आलू ले लो। यहाँ से हो चुका है राइडर शिफ्ट, अभी चलाने वाला है अपन, और सौरभ भाई बैठा है पीछे। तो फिर इसको भगाएंगे थोड़ा सा, और भगाने में जो मज़ा आता है ना, जो भगाने में, वो नहीं लेना है अपने को सीरियसली। अभी एज हो रहा है ना 26+, अभी संभाल के चलाएंगे, पूरी ज़िंदगी चलाना है अपने को, एक ही दिन में ख़त्म नहीं करना है। और आप लोग भी ये याद रखना भाई, धीरे धीरे चलाओ, पूरी ज़िंदगी चलाओ, एक दिन में काहे ख़त्म करना है। और सामने आ रहा है किंग, जो रोड प्रेजेंस है ना भाई, एक तो लेना है, एक ना एक दिन लेंगे। तो दोस्तों, अभी दिखाएंगे आपको एक कमाल की गाड़ी, जो एक ना एक दिन मुझे भी लेना है भाई, कमाल लगता है वो। रोड प्रेजेंस जो आती है ना इसकी, भाई सामने ही है, सामने खड़ी है, दिखाएंगे आपको। इंतज़ार थोड़ा और। तो ये वाला जो गाड़ी है ना, ये लेना है अपने को एक ना एक दिन। जहाँ भी जाएंगे भाई, पैसेंजर उठा के जाएंगे भाई, खर्चा निकल जाएगा अपना। ये देखिए स्टाइल, वाव, अपने को भी ऐसे स्टाइल से जीने का है रे, लेकिन कहाँ हो पाता है यार। लोगों का एक बात यार कमाल का लगता है,
अभी सामने से कैमरा बंद था, सामने से एक बिल्ली रोड क्रॉस किया अभी, सब लोग खड़े हो गए भाई। अरे भैया उसका भी मन है रोड क्रॉस करने का, आप भी करते हो तो करो ना, उसका भी तो मन है करने का, जाने दो उसे, फिर रुकने का क्या फ़ायदा यार। आज भी ये 2023 चल रहा है और अभी भी लोग ऐसे अंधविश्वास में मतलब क्या ही बोले, मेरे को वार्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह पे, समझ में नहीं है। अरे उसने क्रॉस किया, ये तो गलती आपकी है ना, आप लेट क्यों आए, आप 2 सेकंड पहले आते फिर तो वो आपके पीछे से क्रॉस होता ना। ये देखिए वाह क्या कमाल का काट मारा मैंने, तालियां होनी चाहिए भाई ऐसे काट के लिए, शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए बिना पैसे के पाउडर, सफेद हो जाइए। अबे हट बे ओ, मेरे को सफेद नहीं होने का है, मैं काला ठीक हूँ। तो सामने जो ट्रैफिक दिख रहा है आप लोगों को, हम लोगों को जाना है सीधा, अगर आपको जाना है सिलीगुड़ी कोलकाता जलपाईगुड़ी तो आपको जाना होगा यहाँ से राइट। सिग्नल तो नहीं दिख रहा मेरे को, मतलब सिग्नल तो नहीं है, जो जिधर से चाहे घुसा सकता है यार, घुसाने का बहुत मन करता है लोगों को, कहीं से भी घुसा लेता है, हम भी घुसा लेंगे, हम क्यों पीछे रहे भाई घुसाने को, है ना। तो यहाँ से सीधा जाना होगा हमें शोरूम के लिए, और यहाँ से सीधा आपको पड़ता है कुछ भी यार आसाम, और राइट में जो रोड दिखा आपको वहाँ से आपको जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी कोलकाता कहीं भी जा सकते हो आप, जाओ ना आपकी मर्जी। तो अगर आपको लगता है कि फल्लाकटा जो मेन ट्रैफिक है वहाँ पे चेकिंग चल रहा है, पुलिस चेकिंग, तो आपको कैसे बचना होगा, उससे एक निंजा टेक्निक आपको दिखाएंगे, कमाल का टेक्निक। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि टेक्निक आपको कैसा लगा। यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट, यही से ले लेते हैं। ट्रैफिक से बचने का आसान तरीका, सामने वीडियो ऑफिस है हमारा, आ चुके हैं रोड पे, हमें जाना है राइट। यहाँ से अगर सीधा जाओगे तो आपको मिलेगा वो वाला ट्रैफिक, मेन ट्रैफिक, तो हमको सीधा नहीं जाना, अपने को लेना है यहाँ से लेफ्ट। कौन सा वाला लेफ्ट था, कौन सा वाला था, ये सामने, यहाँ से लेंगे लेफ्ट। अपने को रोड पे जाना ही नहीं है, एक और रोड यहां से भी अपने को लेना है राइट। यहां से भी आप हाईवे पकड़ सकते हैं, तो हम यहीं से पकड़ेंगे हाईवे। मुलाकात होगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। तो गाइस वापस आ चुके हैं हम लोग, तो वहाँ पे तगड़ी चेकिंग चल रही थी पुलिस की, इसीलिए फ़ोन उतरना पड़ा हमें हेलमेट से। कोई नहीं, हम भी कम चालाक थोड़ी है, थोड़ी ना पैसे देंगे पुलिस को, है ना। तो पहुँचने वाला है हम लोग होंडा शोरूम, ये सामने ही है, यहाँ से सीधा आपको कुछ भी यार आसाम रोड जाता है। ये रहा पेट्रोल पंप, और हाँ घुसा लो भैया, ये लेफ्ट में होंडा शोरूम, फिर गाड़ी सर्विसिंग में घुसा के आपको पूरा सर्विसिंग दिखाएंगे क्या क्या होता है। तो अभी चलिए रखते हैं। तो गाइस
स्कूटी का काम हो चुका है, पूरा सर्विसिंग हो चुका है और अभी यहाँ से निकलेंगे, सीधा चलेंगे घर। अभी घर जाने का वक्त है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमें नया एनर्जी देता है कि नया कुछ करने का, नया कुछ सीखने का। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।